दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो कि हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण हैं, जो कि सीटीईटी, यूजीसी और यूपीएसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आप ग्राम पंचायत अधिकारी, सीटीईटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, अफसोस। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। संबोधन सूचन अव्यय है, या शोक सूचक अव्यय है, या आश्चर्य सूचक अव्यय है, या हर्ष सूचक अव्यय है। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोक सूचक अव्यय है। अफसोस कर रहा है तो अफसोस होता है शोक सूचक अव्यय, तो यहां ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। तो यहां पे कुक्कुर जो शब्द है वह तत्सम शब्द है, कुक्कुर तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन दिया हुआ है आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तो यहां पे है आलस। आलस तद्भव शब्द है, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, काम, मां, सखी, मछली आदि। तो कौन सा है? आलस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। रात्रि, दही, बच्चा, कान। तो यहां पे अर्ध तत्सम है दई, ऑप्शन बी। दई अर्ध तत्सम शब्द है, संस्कृत से स्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के टूटे फूटे घिसे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। कौन से? संस्कृत से स्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य जो संस्कृत के टूटे फूटे घिसे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे अग्नि या आग, यह अग्नि तत्सम है एवं आग तद्भव के मध्य का स्वरूप है। अग्नि या अगि। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो यहां पे ग्लास है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ग्लास है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं या विदेशज शब्द। जैसे इरादा, इशारा, हलवाई, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। ऑप्शन है ए, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो सही उत्तर है कौन सा? विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है तो आसमानी। दिए गए शब्दों में आसमानी विशेषण शब्द संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? तो यहां पे है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। यहां पे है निजवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्य और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, या स्वयं गाड़ी चला सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो नैतिक यहां पे विशेषण है, दिए गए शब्दों में नैतिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण का पता चलता है क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है
इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषण विशेषता, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे उसकी विशेषता है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है भी अवयव। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द अवयव है। अवयव वे शब्द हैं जिनमें लिंग, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे यहां, कब और आदि। अवयव शब्द पांच प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, बहुत। दूसरा संबंध बोधक, के साथ, तक। तीसरा समुच्चय बोधक, तथा, एवं, और। फिर है विस्मयादि बोधक, अरे, हे। फिर है निपात, ही, भी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो अवयव पांच प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, रविवार है, वह घर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द है निपात। रेखांकित शब्द ही, निपात है ही रहेगा। वे अवयव शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं, जैसे ही, श्याम ही जा रहा है, भी, सुमन भी जा रही है, तो, मोहन तो दिल्ली गया ही है, तक, तुमने चाय तक नहीं पी, मात्र, केवल, तुमको केवल 100 रुपए ही मिलेंगे। तो ये है रेखांकित शब्द जो था ही, वह है निपात। जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था अवयव शब्द के पांच प्रकार, जिसमें से जो हमारा पांचवा प्रकार था वह था निपात, जिसमें ही और भी आता है। अगला प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। जो रेखांकित शब्द है पर्यायवाची है, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से सही ऑप्शन है रसाल। आकाश का पर्यायवाची रसाल नहीं है। आकाश के पर्यायवाची व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान आदि हैं। तो रेखांकित शब्द के पर्यायवाची नहीं है। कौन से नहीं है? रसाल नहीं है। और जो है वो कौन से हैं? व्योम, गगन, नभ, अंबर। अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार। तो असंतोष होगा, संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष, सटीक विलोम शब्द असंतोष। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। तो ऑप्शन बी, धरा और पृथ्वी। धरा और पृथ्वी सही युग्म की जोड़ी है। अगला प्रश्न है, दूसरों की बातों में दखल देना एक ही शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, अक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। तो हस्तक्षेप होगा। दूसरों की बातों में दखल देने का जो होता है मतलब हस्तक्षेप करना होता है। अगला प्रश्न है, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है संबंधवाचक। बी, निकट शब्द स्थानवाचक संबंध सूचक शब्द दर्शाता है। इन शब्दों में निकट, पास, ऊपर, यहां, वहां, बाहर इत्यादि शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रेखांकित शब्द का अर्थ है परसर्ग। ऑप्शन बी, परसर्ग। परसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए और शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं।
ने से के लिए पर आदि, जैसे कलम से उसके लिए, घर में पेड़ पर। तो यह है परसर्ग। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से लता लताएं सही है, घोड़ा घोड़े सही है, किताब किताबें भी सही है, सखी सखियां सही नहीं। यहां की वचन योग हमारी अशुद्धि है, लिखने की अशुद्धि है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है जबकि यहां छोटी की मात्रा लगनी चाहिए। तो सखी सखियां शब्द सही नहीं है, सखियां शब्द के अंतर्गत वर्तनी की संबंध अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, सही शब्द जो है वह होगा सखी सखियां। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता हो। यह क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। जैसे मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता है, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उसे पढ़ा नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, मां बच्चों को पढ़ा रही है। तो ऑप्शन सी, मैं कल घूमने जाऊंगी। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में होगा, होगी, गा, गी, गे आदि आते हैं, इसलिए मैं कल घूमने जाऊंगी में भविष्यत काल है क्योंकि कार्य अभी शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न है, मध्य पुरुष तू का सही बहुवचन होगा हम लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तो सही उत्तर है तुम लोग, ऑप्शन बी। तू शब्द का बहुवचन तू, तुम, आप, तू का मध्यम पुरुष तुम लोग होगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधान वाक्य। तो सही उत्तर है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोध शब्द जुड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो यहां पे सही उत्तर है, तो वाक्य का प्रकार है विधान वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो वह वाक्य विधान वाक्य कहलाता है, विधान वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, यहां बच्चों के खेलने का बोध हो रहा है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, विधान वाक्य। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।